सो गैस अगर आपको बेस्ट SSD चाहिए अंडर 10,000 तो गैस मेक श्योर करें इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया हूँ सैमसंग SSD T7 के बारे में, जो मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट SSD है अंडर 10,000। सो इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें आप अनबॉक्सिंग करेंगे एंड साथ साथ इसमें हम एक रिव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कि सैमसंग का T7 जो SSD है वो कितना फास्ट है रीड एंड राइट में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमको कुछ बॉक्स मिल जाता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग पोर्टेबल SSD T7 लिखा गया है, और एक मॉडल आता है T7 टच, लेकिन उसका जो प्राइस है वो 10,000 से ज़्यादा है होता है। एंड मेरे यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट वो मुझे वो उतना यूज़फुल नहीं लगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिया, पर आप चाहे तो उसको भी आप खरीद सकते हो। साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा है परफॉर्मेंस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ रीड एंड राइट आपको लगभग 1 GB के ऊपर मिल जाता है। देन देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिलायबिलिटी में आपको लिखा गया है कि अप टू 2 मीटर तक अगर आप इसको गिराते हो तो इसका अंदर का जो मैकेनिज्म है वो टूटता नहीं है। सो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड पीछे की तरफ यहाँ पर आपको लिखा गया इसका प्राइस, ऑल दो इट्स नॉट द करेक्ट प्राइस, इसका जो प्राइस है वो 9,500 है अमेजोन में। इसका जो लिंक है यहाँ पर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहे वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों को मिल जाता है ये पोर्टेबल SSD जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए बॉक्स को साइड करते हैं, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर SSD कैसा है। सो अंदर से बॉक्स को खोल लेते हैं। सो गैस ये है SSD, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप SSD का जो साइज़ है वो देखिए कितना क्यूट है एंड कितना पतला है। तो फिलहाल के SSD को यहाँ पर साइड पर रखते एंड बाकी जो मिला है उसमें देखते क्या क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते कि दोनों यहाँ पर केबल दिया गया है, एक तो है Type-C to Type-C जो वन ऑफ द मॉडर्न केबल है, मुझे अच्छा भी लगता है, एंड दूसरा है Micro-USB to Type-C। तो दोनों ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो इसको साइड करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या होता है। ओके, तो अंदर सिर्फ आपको एक मैनुअल गाइड दिया गया है जो आप चाहे तो पढ़ सकते हो, तो और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स अबाउट द SSD एंड यहाँ पर केबल्स। तो चलिए केबल को साइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SSD का साइज़ के बारे में। तो गाइस देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में एंड बहुत ज़्यादा पतला है गाइस। एंड इसका जो कलर है वो ब्लू कलर में है हमारे पास। इसका और दो कलर मिलता है, एक है कि ब्लैक एंड दूसरा है रेड, तो उसमें भी आप जा सकते हो। बट पर्टिकुलरली ये जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड इसका जो साइज़ है, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा 8 GB का ये रिमोट है एंड आप देख सकते हैं कि पूरा सेम टू सेम है इसके साइज़ में एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर थिकनेस में। एंड गाइस और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक लाइट दिया गया है, यानी जब भी आप इसको यूज़ करते हो इन दैट टाइम यहाँ पर जो लाइट है वो थोड़ा सा ब्लिंक करेगा। तो चलिए आप यहाँ पर दिखाते हैं कि रीड एंड राइट स्पीड कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली एक SSD या फिर हार्ड डिस्क में वही मैटर करता है। सो वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस स्पीड जो है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर Type-C to Type-C जो ये केबल दिया है उसको मैं कनेक्ट कर लिया हूँ अपने लैपटॉप में। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मैं स्पीड दिखाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपका लैपटॉप में क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। सपोज़ आपके लैपटॉप में अगर जो यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा अच्छा हुआ तो उसमें क्या होता है कि जो स्पीड है और थोड़ा बढ़ जाता है। एंड और एक बात कि यहाँ पर जो T7 ये SSD है इसमें आप पासवर्ड के द्वारा भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आप दे सकते कि मैं पासवर्ड से यहाँ पर मैं प्रोटेक्ट किया हूँ। तो सबसे पहले अपना जो पासवर्ड है वो दे देता हूँ। इस फाइल का जो टोटल साइज़ है वो है 1.90 MB। सो बहुत छोटा फाइल है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो पूरा फाइल है इसको कॉपी करने में कितना समय लगता है। सो इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, देन मैं जाता हूँ यहाँ पर कॉपी में एंड देन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, सो लेट मी पेस्ट इट। सो यहाँ पर आप देख सकते स्पीड। सो विद इन यहाँ पर मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड यहाँ पर लगभग 2 GB का जो फाइल है वो यहाँ पर आपके SSD में यहाँ पर कॉपी हो जाता है। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपके पास कोई बहुत ही बड़ा एक फाइल है, से फॉर एग्जांपल 20 GB का या फिर 25 GB का, तो उस समय आपके यहाँ पर कितना समय लगेगा। तो ये मान के चलिए कंपनी का जो क्लेम है कि लगभग 20 से 25 GB का फाइल ट्रांसफ़र करने में आपको लगभग विद इन 1 मिनट आपके यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है फाइल। सो ये कुछ यहाँ पर स्पीड आप यहाँ पर लाइव यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो। एंड पासवर्ड सेटअप करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग पोर्टेबल SSD यहाँ पर एक सेटअप है। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ यहाँ पर डबल क्लिक करके सेटअप कर लीजिएगा, और अगर मैक पे हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर सेटअप कर लीजिएगा। सो बहुत ही ईजी है।
सो चलिए, आई होप कि आपको ये जो T7 SSD है इसका स्पीड कैसा है आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा। फीडबैक कोई भी डाउट्स है तो गाइस मुझे आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एक बात आपको कहना चाहूँगा, ये जो SSD है ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। मेरे जो यहाँ पर वीडियोज़ है वो उतना MB या फिर GB का नहीं है, पर अगर आप यहाँ पर बहुत GB के यहाँ पर वीडियो ट्रांसफ़र करते हो या फिर लाइव अगर आप एडिटिंग करते हो, यहाँ पर जो ये SSD है इसको आप प्लग इन करके आप एडोब यहाँ पर फोटोशॉप या फिर कोई भी जो हाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, उन सभी यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ये जो SSD है इसको आप प्लग इन करके आप डायरेक्टली उसमें काम कर सकते हो एंड विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी स्टटरनेस बहुत ही फ्लॉलेस ये काम करता है। एंड कभी कभी मैं इसको फिल्मोरा में भी यहाँ पर एडिटिंग कर लेता हूँ बिना फाइल ट्रांसफर किए कंप्यूटर में। सो ऑल इन ऑल इट्स ए गुड प्रोडक्ट एज ए SSD अंडर द 10,000। सो आपको 10,000 के अंदर लेना है तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इसका जो बाइंग जो लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डू चेक इट आउट। और खरीदना है तो उसी से खरीदना ताकि मुझे जो चैनल का है उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। सो चलिए, होपफुली आपको वीडियो पसंद आए एंड आप यहाँ पर जान चुके हैं कि T7 अगर आप खरीदते हो तो गाइज इन दैट केस आपको परफॉर्मेंस जो है वो कैसा मिलेगा। इसका और एक अल्टरनेट है जो कि है T5 एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर सैंडिक्स का भी एक है, बट वो जो है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। एंड रीड एट राइट के मामले में उन सभी यहाँ पर SSD से ये जो SSD है T7 ये बहुत ही फास्ट है। एंड इसका और एक वर्षन है जो मैंने आपको कहा T7 टच, उसको भी आप ले सकते हो इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ दिस यहाँ पर फिंगरप्रिंट। चलिए, होपफुली वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइए क्योंकि ऐसे यहाँ पर क्वालिटी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं सर, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।